गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड वन में व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण में चैप्टर वन में है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये चैप्टर वन में आप लोग का पढ़ना है। ये भाषा में, भाषा बता दो, भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक ओरल, रिटेन एंड सांकेतिक भाषा इशारों द्वारा जो बात कर किया जाता है वो सांकेतिक भाषा है। अब आइए लिपि। लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाता है। अब थ्री में है व्याकरण। व्याकरण क्या? व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना सीखते हैं व्याकरण के द्वारा। अब क्वेश्चन आंसर मैं बता दूं, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं, सुनते हैं। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के तीन भेद हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाता है। हर भाषा की अलग अलग लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन है, उसी तरह से हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर फोर में है, भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाषा की लिपि अलग अलग होती है, बता दी हूँ। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में अ, आ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण वाला सीखते हैं। शब्द में शब्द बनाना, वाक्य में सेंटेंस लिखना, वाक्य में वाक्य बोलना, ये सब आएगा। ये पीडीएफ में पूरा डाला हुआ है, अच्छे से फेयर कॉपी अलग बनाएंगे व्याकरण के लिए और इसको कंप्लीट कर लेंगे। पेरेंट्स छोटे बच्चे हैं तो कॉपरेट करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलूंगी। बाय।